तो आप में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छे से हैवी लुकिंग पार्टी वेयर इयररिंग्स लेकर आओ. सो टुडे आई एम गोना शो यू अ लॉट ऑफ इयररिंग्स. ढेर सारे इयररिंग्स हैं आज हमारे पास. सबसे अच्छी बात है कि सारे अफोर्डेबल हैं. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी इयररिंग्स इन अफोर्डेबल प्राइस देन दिस वीडियो इज फॉर यू. चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से. स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द फर्स्ट पीस दैट आई एम करंटली वेयरिंग आर दीज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इयररिंग्स. इनका लुक खुद देख लो कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है. नहीं आप खुद देखो है इनसे बढ़िया कुछ. तो ये इयररिंग्स मेरे पास ना ब्लू और पिंक शेड में मेरे पास ऑलरेडी थे जो मैंने लास्ट ईयर लिए थे आई जूल्स से. बट आई फाउंड दिस कलर तो मुझे बहुत सुंदर लगा है. मरून कलर बहुत अच्छे से इस आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और किसी भी आउटफिट पे आराम से चलेगा. तो मैंने ऑर्डर कर लिया. इनका डिज़ाइन बहुत सुंदर है. देखने में बिल्कुल चांद वाली वाली हैवी फीलिंग आती है बट दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट. आप इन्हें आराम से कैरी कर सकते हो फेस्टिवल्स पे पार्टीज़ में. एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये एक सेट है इयररिंग्स का. हो सकता है आपको लगे मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल से आने का टाइम होने वाला है. सो मेरे दिमाग में वही चल रहा है फिलहाल. ऐसा होता है ना कि कोई काम होने वाला होता है तो दिमाग में वही बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है. बट एनीवेज लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो. नेक्स्ट मैंने लिया है फ्रॉम द ब्रांड ज़वेरी पर्ल्स और ये बहुत ही सुंदर से इयररिंग्स है. मतलब मेरे पास ऐसे इयररिंग्स नहीं है. मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है इयररिंग्स का बट इस टाइप के इयररिंग्स तो मेरे पास भी नहीं है. एंड जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार सिमरन ये तो ट्राई करना चाहिए. तो इट्स अ वेरी प्रिटी लुकिंग इयररिंग एंड ये है इसका पूरा का पूरा सेट इयररिंग का. इतने सुंदर ये लग रहे हैं और आजकल तो इस तरीके के हैवी इयररिंग्स काफ़ी ट्रेंड में भी हैं. एंड इफ़ यू हैव अ राउंड फेस लाइक मी तो हल्के से जो लंबे इयररिंग्स होते हैं ना वो आपकी फेस को एक हल्की सी लेंथ दे देते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा लगता है और ज़्यादा देखने में. सो कुछ ऐसा लगेगा इयररिंग पहनने के बाद. मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ग्रीन और रेड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है. स्पेशली जो झुमके वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. इफ यू विल टेक अ क्लोजर लुक तो झुमके वाला पार्ट तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनाया है इन लोगों ने. एंड आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ मरून एंड ग्रीन. मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है पहनने के बाद. सो दैट्स द फाइनल लुक ऑफ द झुमका. मुझे बहुत अच्छा लगा. आपको कोई आउटफिट है जिसके साथ ये मैच कर रहा है और आपको कुछ अलग सा पहनना है डिफरेंट सा सो यू कैन ट्राई दीज आउट. ये बहुत ही यूनिक लुक दे रहे हैं. एंड ऐसी ज्वेलरी अगर आप मार्केट में लेने जाओगे बहुत अमेजिंग सी क्वालिटी की तो बहुत महंगी आएगी. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वालिटी एंड प्राइस के हिसाब से दिस इज़ टोटली जस्टिफाइड और देखने में भी बहुत यूनिक और प्यारा लग रहा है. मुझे तो काफ़ी पसंद आए ये वाले इयररिंग्स एंड आई विल हाईली रिकमेंड दीज. तो कुछ अलग सा कुछ डिफरेंट सा पहनना है ट्राई दीज आउट. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर योर मेहंदी देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस बिकॉज ये बहुत ही यूनिक पीस है. कोई पहने में नहीं मिलेगा आपको. नेक्स्ट पीस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम ये मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से ऑर्डर किया. आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स अगेन. एक तो इन लोगों ने पैकिंग ना पुलट पुलट कर दिए. कभी बॉक्स में दे देते हैं कभी प्लास्टिक बॉक्स में देते हैं पता नहीं चलता. बट ये बहुत ही प्यारे से सिल्वर टोन पे इयररिंग्स आएंगे. लुक एट द कलर इतना प्यारा इतना सुंदर कलर ये लग रहा है ना देखने में. नीचे इसमें पर्ल की डिटेलिंग है सिल्वर की डिटेलिंग है. क्वालिटी की बात करूँ दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वालिटी सिल्वर इयररिंग. ये वैसा नहीं जैसे ऑक्सीडाइज वाले सिंपल से आते हैं ना. इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है. जैसे कॉपर इयररिंग्स आते हैं ना बिल्कुल उसकी कॉपी है ये. दैट्स हाउ द इयररिंग्स लुक्स लाइक. मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि काफ़ी यूनिक लुक दे रहे हैं एंड कलर क्वालिटी वाइज दे आर टोटली वर्थ इट. सो आई विल हाईली रिकमेंड दीज इयररिंग्स. उसके अलावा मैं वेट की बात करूँ दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट. आप इन्हें आराम से कैरी कर सकते हो और लुक तो इनका हैवी है ही. ऐसा लगेगा ये पास से देखने में बहुत ही सुंदर सा एकदम परफेक्ट. कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है इस इयररिंग में. जितना होना चाहिए उतना कलर है उतना वाइट है उतना सिल्वर है. एंड या बहुत सुंदर लग रहा है. नेक्स्ट पीस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम ज़िनिमी एंड ये थोड़े डिफरेंट टाइप के इयररिंग्स मैंने ऑर्डर किए हैं इस बार एडी में. एडी में ज़्यादा पहनती नहीं हूँ बट कभी कभी कुछ ड्रेसेस पे एडी के इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो आई हैव ऑर्डर्ड दीज. ये आएंगे कुछ इस टाइप के बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं ब्लू कलर के. एंड मैं आपको दिखा देती हूँ एक इयररिंग इसमें से निकाल के. लुक हाउ गॉर्जियस दिस इयररिंग इज लुकिंग. इतना सुंदर इतना प्यारा सा डिज़ाइन है ना. ऐसे राउंड राउंड होके नीचे सिर्फ एक ब्लू आता है. देखने में इतने डेलिकेट इतने प्यारे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं. यू कैन ईजिली कैरी दीज विद योर गाउन साड़ी सूट जिस पर भी आपको पहनना है. एंड दे गिव्स यू अ वेरी नाइस लुक. अगेन ये भी लॉन्ग लेंथ लिया है मैंने बिकॉज आई हैव अ राउंड फेस और थोड़े हल्के से लंबे इयररिंग्स अच्छे लगते हैं और आजकल तो ट्रेंड में चल भी रहे हैं लॉन्ग इयररिंग्स. तो ये मेरे इस आउटफिट को भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि मैंने कुछ पहना हुआ. इतने लाइट वेट हैं द क्वालिटी इज़ अमेजिंग एंड दे लुक्स परफेक्ट. कुछ ऐसा लुक आएगा इनका. ये ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा है. इसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है अगर आप चाहो तो दूसरा ट्राई कर सकते हो बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया सो आई ऑर्डर्ड इट. अनदर पीस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अगेन ज़वेरी पर्ल्स और ये थोड़े से अलग से इयररिंग्स मैंने ऑर्डर किए हैं इस बारी. मुझे ये पैटर्न काफ़ी यूनिक लगा सो आई बॉट दीज. सॉरी ज़वेरी पर्ल से नहीं मैंने आई जूल्स से लिया है. ये थोड़े से यूनिक पैटर्न पे आएंगे. आजकल ये काफ़ी चल भी रहा है
इस तरीके का जो पैटर्न है ट्रेंड में, तो काफ़ी लोग पहन रहे हैं. सो आई जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग दिस आउट. काफ़ी डिफरेंट और यूनिक पैटर्न है ये. इसमें इस तरीके से हाफ हाफ झुमके आते हैं, पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रंट में ही डिज़ाइन बनाया गया है. और काफ़ी सुंदर और हैवी लुकिंग ईयरिंग्स हैं. द कलर इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. आई थिंक ये डिफरेंट और कलर में भी अवेलेबल है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो. बाकी देखने में जितने बड़े आपको ये लग रहे हैं ना, ये हद से ज़्यादा लाइट वेट. अब तक मैंने जितने आपको ईयरिंग्स दिखाए ना, उन सबसे लाइट वेट है. सोचो जिनिमी वाले दिखाए थे ना, सेम वैसा ही वेट है इनका. मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने इतने बड़े हैवी ईयरिंग्स पहने हुए, बट दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. फेस्टिवल्स के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा हैवी ईयरिंग्स, मतलब जो वेट होता है, वो नहीं पहन पाते हो ना, तो आपके लिए ये परफेक्ट चॉइस रहेगा. देखने में भी बड़े हैं, फेस्टिव भी हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. दे आर सो कम्फर्टेबल टू वेयर. अनदर पीस फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स, ये वाला है ज़वेरी पर्ल्स से. सो ये भी मैंने थोड़े सिल्वर टच में ऑर्डर किए हैं, एंड इन्हें देख के तो मुझे इनसे बिल्कुल प्यार हो गया था. ये वैसे वाले ईयरिंग्स हैं. ये देखो, लुक एट द डिज़ाइन, कितना प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन है. बेबी पिंक इसमें कलर है. नीचे इस तरीके से छोटे छोटे इसमें आपको पर्ल्स मिल जाएंगे. ऊपर सिल्वर है. अगेन द क्वालिटी ऑफ सिल्वर इज़ वेरी नाइस. एंड ये हल्के से हैवियर साइड पे हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े और थोड़े से यू नो इसमें बीड्स वगैरह इन्होंने काफ़ी लगाए, तो उसकी वजह से हल्का सा हैवीनेस है इन ईयरिंग्स में. देयर यू गो, लग रहा है ना कितने ज़्यादा प्यारे. एकदम ऐसे बिल्कुल मुझे अफगानी ईयरिंग्स जैसी फीलिंग आ रही है इनमें से. जैसे कि मैंने बताया था कि ये मुझे हैवी लग रहे थे पकड़ने में, बट मुझे कान में पहन के कुछ खास हैवीनेस नहीं फील हो रही. हल्के से हैवी हैं, बट नॉट टू मच. ऐसा लग रहा है कि कुछ, हाँ, हल्के से झुमके पहने हुए, मतलब थोड़े से हैवी झुमके पहने हुए, वैसे वाली फीलिंग आ रही है. बाकी लग बहुत सुंदर रहे हैं पहनने के बाद. तो ये कुछ ऐसे लगेंगे, और ये किसी भी आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. डोंट हैव टू वरी अबाउट द कलर, क्योंकि ये जो पिंक है काफ़ी व्हाइटिश टोन पे आ जाता है. दूर से देखने में पता नहीं चलता कि इसमें पिंक कलर भी आया है, बट या दे आर जस्ट लवली. और बहुत ही प्यारा सा, ऐसे बिल्कुल कैसे बताऊँ मैं आपको, बहुत ही इंडो वाली मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं इनमें से. किसी वाइट चिकनकारी कुर्ते के ऊपर तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेंगे, या फिर किसी भी चिकनकारी का कुर्ता, जो कोई भी कलर का हो, सबके साथ ये बहुत अच्छे से जाएंगे. मूविंग ऑन टू अनदर वन, दिस वन इज़ फ्रॉम जिनिमी. अगेन जिनिमी ज़्यादातर एडी ज्वेलरी में डील करता है, बट मुझे इनके पास ये बहुत ही सुंदर से ईयर चेन्स मिल गए, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं. सो आई गॉट दिस ब्यूटीफुल ईयर चेन्स, जिनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है. और आप किसी भी ईयरिंग पे इनको अटैच करके ना उसको एकदम हैवी लुक दे सकते हो. यू डोंट हैव टू बाय वेरी हैवी लुकिंग ईयरिंग्स, बस इसको अटैच कर लो और एकदम से आपके जो ईयरिंग्स है ना, वो पार्टी वेयर या फेस्टिव लुक में एकदम कन्वर्ट हो जाएंगे. कोई पुराने ईयरिंग्स पे भी आप ये यूज़ कर सकते हो. इट गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड अ ब्यूटीफुल लुक. और आजकल तो ईयर चेन्स काफ़ी ट्रेंड में है, सो डेफिनेटली ट्राई करना. इसकी क्वालिटी अच्छी दी गई है. नीचे लटकन है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है, तो आप आराम से कैरी कर पाओगे. नेक्स्ट पीस इज फ्रॉम शाइनिंग डीवा फैशन, और ये देख लेते हैं एक बार. ओके, सो आई हैव सीन निया शर्मा वेयरिंग दीज ईयरिंग्स, बट उनके ब्लू कलर में थे. मुझे ब्लू भी मिल रहा था, बट मैंने ब्लू नहीं लिया. आई वॉन्टेड पिंक वन, सो मैंने लिए हैं ये पेस्टल पिंक कलर में. आई थिंक ये वाले ईयरिंग्स अभी आजकल काफ़ी चल भी रहे हैं, लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हैं. सो आई फाउंड दीज ऑन Amazon, तो मैंने ऑर्डर कर लिया. और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, काफ़ी लाइट वेट हैं, बिल्कुल भी हैवीनेस नहीं है इन ईयरिंग्स में. और इसका डिज़ाइन और कलर भी बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो चलो ट्राई करते हैं. बहुत ही ऐसे मुगल्स वाली फील दे रहे हैं, पता नहीं क्यों. लग तो ये बड़े अच्छे रहे पहनने के बाद, और लाइट वेट भी हैं. ऐसे बहुत ही चुनचुन वाली फीलिंग आ रही है मुझे, बट हाँ सुंदर लग रहे हैं देखने में भी, और कलर भी इनका बढ़िया लग रहा है. पास से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा लुक आएगा, और परफेक्ट है यार ये एकदम, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे गर्ली वाला लुक दे रहे हैं. तो अगर आपको कुछ इस टाइप के इयरिंग्स ट्राई करने हैं, डू ट्राई दिस आउट, आपको पसंद आएंगे. मूविंग ऑन टू द लास्ट पीस ऑफ टुडेज वीडियो, दिस इज फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स. हाँ, ये मेरे फेवरेट इयरिंग्स हैं. मैं इनका सबसे ज़्यादा वेट कर रही थी इस बार, जो कि आएंगे. ये बहुत ही सुंदर से पिंक कलर के इयरिंग्स, मतलब ये पिंक, बेबी पिंक और हॉट पिंक का कॉम्बिनेशन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है. और इसमें वो दोनों कलर्स हैं, मुझे बहुत ऐसे राजस्थानी वाली वाइब्स देता है, पता नहीं क्यों. गोटा पट्टी, और मतलब मुझे ये देख के सिर्फ गोटा पट्टी और पिंक लहरिया ऐसा ही कुछ याद आता है. तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है इयरिंग्स का. एंड अगेन बहुत लाइट वेट हैं. अगर आपको लाइट वेट ज्वेलरी पसंद है, एंड इफ़ यू वॉन्ट दैट हैवी लुक ऑल्सो, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं. बिकॉज बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने कान में कुछ पहना हुआ है, येट दे आर लुकिंग हैवी. कुछ ऐसा लग रहा है पास से देखने में, तो सुंदर डिज़ाइन है यार इसका. जैसे फोटो में था ना, उससे भी बेटर लग रहा है ये इस टाइम पे. एंड लव द कलर कॉम्बिनेशन, एंड दे आर जस्ट परफेक्ट. सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि वाले इयरिंग्स भी आपको पसंद आए होंगे. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन.